रिश्ते अच्छे करने के दो महत्व की टिप्स मैं आपको भी देने वाला हूं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति जो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। लोगों से रिश्ते बना के रखना, नए बनाना, पावरफुल रिश्ते करना, ये बहुत बड़ी बात होती है सफलता में। मगर रिश्तों में, रिश्ते बनाए रखने में हम लोग बहुत ही कमजोर हैं। रिश्ते बनाना है तो नए नए रिश्ते बनाओ, वो एक मार्ग है सफलता का। और दूसरा, जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करो। तो जो रिश्ते हैं उनको कैसे मजबूत करना, उसके बारे में मैं अभी आपसे बातचीत करने वाला हूँ। क्या होता है कि रिश्ते टूटते हैं और उसका कारण मेन जो है वो हम, हमारा जो भी बोलना है वो सप्रेस करते रहते हैं, और इसलिए रिश्तों में दरार आती है। रिश्ते यदि मजबूत करना है तो हमको सप्रेस करना नहीं, कुछ दबाने का नहीं है, हमको एक्सप्रेस करना है। और जो भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, खुला बोल सकते हैं, जो मन में है बोल सकते हैं, तो रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्या होता है कि मुझे जो बोलना है मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मेरे चश्मे के ऊपर एक स्क्रैच आ जाती है, मैंने दबा के रख दिया। फिर दूसरी बार मुझे और कुछ बोलना है, मैं बोलता नहीं हूँ, फिर मेरे चश्मे के ऊपर और एक स्क्रैच आती है, मैं नहीं बोलता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें मैं दबा दबा के, दबा दबा के रखता हूँ। अभी मैं बोलता क्यों नहीं हूँ? मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ कि मेरा वो व्यक्ति की ओर बहुत प्यार है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि जान दो बहुत प्यार करता हूँ मैं, इसलिए नहीं बोलता हूँ। कुछ उसको हर्ट हो जाएगा, वो दुखी होगा, उसका मन दुख जाएगा, इसलिए बोलता नहीं हूँ। या फिर उससे डर लगता है, वो मुझे कुछ करेगा, मैंने ऐसे सीधा सीधा बोल दिया तो इसलिए डर लगता है। वो अथॉरिटी फिगर है, वो मन में रखेंगे ये ऐसी बातें और फिर निकालेंगे बाद में कभी तभी, तो वो एक डर है। तो इसलिए मैं खुली बात नहीं करता हूँ, मैं दबोच के, दब के लोगों के साथ में रहता हूँ। हो सकता है कि वो मेरे घर वाले होंगे, कि उनके साथ में भी मैं खुली बात नहीं करता हूँ, या बाहर के भी लोग होंगे। होता क्या है, मैं जब दबा दबा के रख रहा हूँ, कोई भी बात है, गंदगी है, कारपेट के नीचे डाल दिया, कारपेट के नीचे डाल दिया, कारपेट के नीचे डाल दिया, ऊपर से तो अच्छा दिखता है सब। एक बार कारपेट निकाल दिया कि फिर डस्ट एलर्जी हो जाती है, बहुत बड़ी धूल मिट्टी बाहर निकलती है। फिर हमको लगता है कि इतनी छोटी बात के लिए इतना क्यों गुस्सा किया इसने, तो छोटी बात के लिए गुस्सा नहीं रहता, वो बहुत धूल मिट्टी जमा रहती है और एक दिन उसका बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आपने साफ बोल दिया, आपने साफ एक्सप्रेस कर दिया, खुला बोल दिया, इसलिए इसे टूटते नहीं है। रिश्तों में दरार इसलिए आती है कि आपको जो बोलना है बोलते नहीं है, मन में रखते हैं, खुला रहते नहीं है, फ्री रहते नहीं है, वो रीजन से रिश्तों में दरार आती है, रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि आदमी ये खुला बोलता नहीं। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जो लोग खुला बोलेंगे, तार तार बोलेंगे, सब मन का निकाल देंगे, मन की भड़ास निकाल देंगे और बाद में शांत हो जाएगी पूर्ता। ऐसे लोग नहीं चलते अपने को कि भाई कुछ बोलेंगे नहीं, बाहर से शांत रहेंगे, अंदर से बहुत खपा रहेंगे और अंदर से बहुत ही अपने बारे में पकड़ के रखेंगे। कैसा है लोगों के साथ में रहेंगे आप, क्योंकि ये लोग कब बाहर निकालेंगे बोल नहीं सकते। तो ये सप्रेस रहना कभी भी अच्छा नहीं है, एक्सप्रेस होना कभी भी अच्छा है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जो लोग आपके ऊपर अनकंडीशनल लव करेंगे, और आप लोगों के ऊपर अनकंडीशनल लव कर रहे हो बिन शर्त। और अनकंडीशनल लव मतलब कि आप जैसे हो वैसे हो, और जैसे नहीं हो वैसे नहीं हो, मैं आपके ऊपर प्यार करता हूँ, या मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मैं जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर प्यार कर रहे हो। तो मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ कि जो व्यक्ति मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेगा, बिना शर्त मुझे स्वीकार कर लेगा। मैं वो व्यक्ति की तलाश में हूँ कि जो व्यक्ति मेरा स्वीकार करेगा, बिन शर्त स्वीकार करेगा। मैं वो व्यक्ति की तलाश में हूँ कि जो व्यक्ति मेरा अतीत बार बार निकाल के मुझे दुखी नहीं करेगा। बार 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 वही निकालना, बार 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 जो भी मेरी गलतियाँ होंगी वो निकालना, और उसके बारे में मुझे ताने मारते जाना, उसके बारे में क्रिटिसाइज करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो एक व्यक्ति की तलाश में हूँ कि जो व्यक्ति मेरा कंधा बार 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 घिस के मुझे, मैंने जो गलतियाँ की उसके बारे में मुझे बताएगा नहीं कि तूने ये गलती किया, वो गलती किया, तूने ऐसा किया, वो ऐसा किया। मुझे वो व्यक्ति की तलाश में, कोई मुझे ऐसा नहीं करेगा। वो व्यक्ति के मैं तलाश में हूँ कि जो व्यक्ति मेरा स्वीकार करेगा बिन शर्त, कोई शर्त नहीं है, बिन शर्त।
मैं वो व्यक्ति की तलाश में हूं कि जहां मुझे मेरी एक्शंस जो है ना, मेरी एक्शंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्शंस जो है ना एक्सप्लेन करना बहुत मतलब हार्डवर्क लगता है ना, बहुत ज्यादा कठिन काम लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मेरा इंटेंशन लोगों ने समझना चाहिए कि मेरा इंटेंशन अच्छा ही रहेगा, मेरी गलती हो सकती है, मेरी एक्शंस गलत हो सकती है, मगर मेरा इंटेंशन पूरा अच्छा है। तो मुझे वो लोग, क्योंकि मैं तलाश में हूँ कि मेरा इंटेंशन वो समझ जाएंगे, भले ही मेरी एक्शंस जो है वो गलत हुए होंगी, मैं वो व्यक्ति की तलाश में हूँ कि जो व्यक्ति के पास में मैं जाऊँ तो वो मेरा स्वीकार करेगा, अनकंडीशनल स्वीकार करेगा, और व्यक्ति के पास में जाने के बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मेरी माँ के पास में हूँ, मैं मेरी माँ के गोद में हूँ, और इतना प्यार मुझे व्यक्ति देगा। और यदि ये व्यक्ति आपके जीवन में है, ऐसा व्यक्ति आप तलाश कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में है तो आज ही उसको फ़ोन करो, आज ही उसको मिलो, और उसके सामने घुटने टेक के अपना माथा उसके पैर के ऊपर रखो। और ऐसा बोला जाता है कि आपको जो चाहिए वो आपको लोगों को देना है। यदि ऐसा व्यक्ति आपको मिलता नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए बन सकते हो। आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हो कि कोई व्यक्ति आपके पास में आता है तो उसको लगेगा कि वो अपनी माँ के गोद में है, उसको लगेगा कि उसको अनकंडीशनली स्वीकार किया जाता है, उसको लगेगा कि नहीं उसका पास निकालेंगे नहीं, उसको लगेगा कि यार मैं तो एकदम सेफ प्लेस में हूँ। तो आप ऐसे व्यक्ति तो बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति बनो, और ऐसे व्यक्ति आप यदि बनते हैं तो आपके रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे सबके साथ में, और यदि रिश्ते मजबूत होते हैं आपका नेटवर्क बढ़ता है। तो ऐसा बोला जाता है योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। तो रिश्ते जो है आपके एकदम जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनमें तो कोई दरार होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल दरार होनी चाहिए, क्योंकि हम नाइस कितने दिन तक लोगों के साथ में रहेंगे, बहुत ही नाइस, ऊपर से एकदम प्लास्टिक स्माइल है, अंदर से सब खोखला हुआ है, कितने दिन तक ऐसे रहेंगे। खुली बात करते आनी चाहिए, और खुली बात इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को दुखी करेंगे, खुली बात इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को कुछ भी बोल देंगे, जो भी बोलेंगे वो जिम्मेदारी से बोलेंगे। आप कुछ भी किसको भी क्रिटिसाइज करते हो, कुछ भी बोलते हो, आपको ऐसा लगता है कि वो दुखी हो जाएगा, तो आप एक स्पेस तैयार करके, भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन के आप ले सकते क्या, हो सकता है कि मैं गलत हूँगा, ऐसी शुरुआत करके एक उसका मन जीत के बाद में फिर आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते कि मैं बोलूँगा शायद आपको अच्छा लगेगा नहीं तो आप मुझे माफ़ कर दो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मतलब आप खुला बोलेंगे तो आपके रिश्ते बहुत पक्के हो जाएंगे, नाइस में सब पूरा बैंड बच जाता है। तो ये एक है कि जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करना, और सफलता का दूसरा रहस्य है कि भाई जो नए नए मतलब आपके पास में जो भी रिश्ते हैं नए नए रिश्ते तैयार करते जाना। ऐसे आपके जीवन में यदि 20 लोग हैं 20 पीपल कि जिनके साथ में आपके बहुत पावरफुल रिश्ते हैं, बहुत ही पावरफुल रिश्ते आपके उनके साथ में हैं, और वो आपके काम में कभी भी आ सकते हैं, आप उनके काम में कभी रात को 12 बजे आ सकते हैं, ऐसे 20 लोग रहेंगे ना अलग अलग क्षेत्र के, आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो ये बातें आप ख्याल में रखो, नंबर एक कि आप सप्रेस नहीं कर रहे, एक्सप्रेस कर रहे, और नंबर दो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल बिन शर्त प्यार आप लोगों के ऊपर कर रहे हो। तो ये दो महत्व के जो पॉइंट्स है, दो टिप्स यदि आप करते हैं तो आपका जीवन जो है बहुत हरा भरा हो जाएगा और बहुत सफलता मिल जाएगी। प्ले स्टोर के ऊपर मेरी ऐप है डॉक्टर ग्रेकर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी सारे वीडियोस है, जानकारी है। हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक पेज के ऊपर आप आ सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए उसके ऊपर आप कॉल करो, और आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, कोचिंग चाहिए है तो आप मेरे से बात करके मेरी सलाह आप ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।